तो आज हम बात करने वाले हैं कटिंग व्हील के बारे में। और कटिंग व्हील के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर बहुत सारी ब्लेड्स आती है जिसकी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है। तो आज की वीडियो एंड तक बने रहिए, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, पूरी डिटेल के हिसाब से, मतलब ए टू लेके जेड तक मैं आपको पूरी नॉलेज देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा ग्रेनाइट के लिए। ग्रेनाइट के लिए क्या स्पेशल यूज में होता है और कैसे यूज में आप ले, तो ग्रेनाइट के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मतलब सबसे पहले हमें जो ब्लेड लेते हैं नॉर्मली लोग यूज करते हैं, ये 5 इंची ब्लेड है, इसमें आपको 4 इंची मिलेगी और ये ग्रेनाइट के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप ग्रेनाइट को काटना चाहते हो तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद में इसमें राउंड भी, राउंड शेप में बिना कट वाले भी आपको मिल जाएगी और इसमें 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची, 7 इंची, 8 इंची, 10 इंची, 14 इंची तक अवेलेबल होती है, लेकिन वो अलग काम होता है उनका। तो इसमें सारी साइज आपको उपलब्ध होंगी, कहीं से भी आप ले सकते हो और इसके अंदर आपको बिना कट वाली भी मिल जाएगी। और दूसरी बात होती है ग्रेनाइट हम काटने के बाद उसको क्या होता है कि हम गोला बनाते हैं, उसको राउंड शेप में बनाते हैं। तो राउंड शेप में बनाने के लिए उसमें मैंने आपको दिखाया था, बताया भी था कि बिना कट वाली ब्लेड आती है, तो बिना कट वाली ब्लेड आप यूज में ले सकते हो। मतलब इसमें क्या होता है गोला बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। तो इसके बाद में बात आती है कि इसमें थोड़ा सा हाई क्वालिटी में चले जाएं हम, तो हाई क्वालिटी के अंदर आपको एक कप मिलेगा बड़ा बड़ा। तो इसमें आप क्या करोगे, ग्रेनाइट के लिए इसमें गोला बनाने के लिए स्पेशली दिया हुआ है टर्बो ब्लेड, बोलते हैं इसको टर्बो ब्लेड नाम से जानते हैं इस ब्लेड को। तो ये ज़्यादा गोला बनाने के लिए, कोई शेप बनाने के लिए हमें ज़्यादा यूजफुल रहेगा और ब्लेड्स के मुकाबले। बाकी ये काटने में नहीं, स्पेशली घिसने के मामले में एक्सपर्ट है ये ब्लेड। तो इसके बाद आती है हमारी टाइल। टाइल के लिए हमें स्पेशली जो यूज में आती है वो ये ब्लेड भी लोग लेते हैं काम में। और इसके बाद में क्या होता है कि ये ब्लेड ज़्यादा फिनिशिंग से नहीं काट पाती, तो इसके बाद में ये टर्बो ब्लेड काम में आती है, जो कि इसकी जो कटिंग है बहुत ही बारीक होती है और टाइल को बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से काटने के लिए ये टर्बो ब्लेड काम में आते हैं। तो ये भी आपको कहीं भी रिटेलर के पास में मिल जाएगी, तो आप यूज में ले सकते हो अगर आपको घर में ऐसा काम करना पड़े तो। उसके बाद में बारी आती है हमारी लोहे के बारे में मैं बता दूं। सॉरी एक ब्लेड और रहेगी कि आपको मैं बता दूं, लोगों ने शायद नहीं देखी होगी, ये सबसे छोटी ब्लेड है, इससे छोटी मेरे हिसाब से नहीं होगी, लेकिन अब कोई आ गई होगी तो मुझे नहीं पता। कई बार क्या होता है कि बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां बड़ी ब्लेड क्या पहुंच नहीं पाती और सही से कटिंग नहीं हो पाती, तो इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये 3 इंची साइज है इसका, 3 इंची ब्लेड बोलते हैं, ये मार्बल कटिंग के लिए होती है। मार्बल भी काट सकते हो आप, इससे गोला भी बना सकते हो, मतलब इसका सारा काम होता है। और कहीं ऐसी जगह है आपको बड़ी ब्लेड नहीं घुस पा रही, उसको काटना चाहते हो आप, कुछ टाइल वगैरह काटना चाहते हो, ग्रेनाइट वगैरह काटना चाहते हो, तो ये आप ब्लेड यूज में ले सकते हो और बाकी हमसे संपर्क कर सकते हो कमेंट में। तो उसके बाद बारी आती है हमारे लोहे कटिंग के बारे में। तो लोहे कटिंग के लिए लोगों ने स्पेशली जो यूज करते हैं वो ये ब्लेड यूज करते हैं, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा थिन कटिंग ब्लेड, कट ऑफ व्हील भी बोलते हैं। इसमें साइज की बात करूं तो मैं आपको साइज मिलने वाले 4 इंची साइज मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है, और बाकी पावर टूल के अकॉर्डिंग ग्राइंडर में 4 इंची में 4 लगेगी और 5 इंची में 5 लगेगी, तो ऐसे इसका साइज बढ़ता रहता है। तो ये इसमें 5 इंची साइज भी उपलब्ध है, एक्स्ट्रा पावर का 5 इंची साइज, और इसमें और बड़ा आप चाहते हो तो 6 इंची मिल जाएगा, 7 इंची मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये ही ब्लेड आपके लिए अगर आप स्टील कटिंग में काम में रहते हो तो सबसे बेस्ट यूज, ये आपको थिन कटिंग ब्लेड लेनी चाहिए, इसको आप कट ऑफ व्हील भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में बारी आती है हमारी लकड़ी के लिए। मोस्टली 3 आइटम होते हैं, हमें पत्थर काटना होता है, हमें स्टील काटना होता है, हमें लकड़ी काटनी होती है। तो लकड़ी के लिए मैं बता दूं आपके लिए, लकड़ी के लिए मैं ब्लेड लेकर आया हूं आपको, हिटाची के लिए, सॉरी हिटाची की ब्लेड मैं लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही पॉपुलर है अपने काम के अंदर। तो ये मैं ब्लेड आपको दिखाने वाला हूं। अगर आप कहीं भी कोई लकड़ी काट रहे हो तो आपको ऐसे टिथ वाली ब्लेड लेनी होगी, अगर आपको अच्छे से लकड़ी काटनी है तो, कोई और ब्लेड ना लगाएं, क्योंकि पावर टूल होता है कि उसमें नुकसान हो जाता है, अगर कोई और ब्लेड आप चला रहे हो तो उसमें नुकसान होने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो ये ब्लेड जो है सेफ्टी के साथ आप यूज कर सकते हो और लकड़ी को बहुत ही आसानी से काट सकते हो। ये हिकोकी नाम से आ रहा है, हिटाची नाम पहले था इसका, चेंजिंग होके हिकोकी हो गया। तो ये ब्लेड आप यूज में ले सकते हो, बहुत ही पॉपुलर ब्लेड है और बहुत ही आसानी से काट देगी और बहुत ही लंबे टाइम तक चलने वाली ब्लेड है। तो इसके बाद में बारी आती है हमारे पॉलिश वाली जो ब्लेड होती है, मार्बल घिसने की ब्लेड होती है, मार्बल के स्क्रैच दूर करने के लिए जो ब्लेड हम पफ यूज करते हैं, तो वो उसकी बारी आने वाली। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं, बहुत सारे लोग ये एमरी जो यूज करते हैं,
60 नंबर होती है, इसमें 80 नंबर होती है, 120 होती है, अलग अलग ग्रेड होती है, मतलब फिनिशिंग का लेवल होता है। आप सबसे पहले लगाओगे तो उसमें हार्ड मटेरियल, हार्ड ब्लेड चाहिए होगी तो उसमें आपकी आती है 46 नंबर, उसके बाद 60 नंबर, उसके बाद 80 नंबर यूज कर होती है, उसके बाद में 100 नंबर होती है, उसके बाद में 120 होती है, और 120 तक आते आते मार्बल में जो है हमारे फिनिशिंग आ जाती है बहुत अच्छे से। तो इसके अलावा भी लोग आजकल यूज करने लगे क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा आसानी होती है। इसे हम गद्दी वाली बोलते हैं, गद्दी वाली बट्टी बोलते हैं, गद्दी वाली ब्लेड बोलते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से जानते हैं इसको। मतलब कहीं भी मार्बल कटिंग की है, कहीं भी मार्बल पे कुछ लगा है, कहीं भी मतलब मार्बल का जो सरफेस है वो हमें अच्छा करना है, तो ये बट्टियाँ ज़्यादातर यूज में आती है। इसके अंदर भी ग्रेड होती है, इसमें आप 220 ले सकते हो, 320 ले सकते हो, 120 ले सकते हो, ऐसे इसकी ग्रेड होती है। मतलब कम घिसनी है तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर लेने होंगे, जैसे कि 320 के बाद में आता 400 नंबर लेने होंगे। जितने कम नंबर होंगे उतने ज़्यादा घिसने की कैपेसिटी। ग्रेड पुलिसिंग के लिए मैंने बट्टी बताई दी आपको, इसमें अलग अलग ग्रेड आपको मिल जाएगी। इसके बाद में जो नया मटेरियल आया है मार्केट के अंदर वो ये है, और सॉरी इसके लिए बहुत सारे लोग हमें पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की कमेंटें आ रही है, बहुत सारे लोग इसके प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारे इसके वर्क के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं बता दूं, आज के लिए स्पेशल चल रहा है ग्रेनाइट का गोला बनाने के लिए, राउंड शेप में बनाने के लिए ये बट्टी बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रही है, और मैं भी आपको दिखाना चाहते हैं ये बट्टी आप ले सकते हो, और बहुत ही आसान होगा इसका यूज़ भी, और बहुत ही फिनिशिंग अंदर ये गोलाई जो है ग्रेनाइट की वो और बट्टियों के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा बनाती है। तो ये बट्टी भी आप ले सकते हो, और इसके बाद में पॉलिशिंग के लिए ये बट्टी यूज में ले सकते हो। तो इसके बाद में जो आती है हमारी बड़ी लकड़ी जो काटने के लिए, बड़े लकड़ी के पेड़ होते हैं वो काटने के लिए ज़्यादातर ये ब्लेड यूज में आती है। इसके अंदर डायमंड लगा हुआ होता है, और ये डायमंड की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलने की होती है। तो ये बात भी बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि आप बिना डायमंड वाली ब्लेड ना खरीदें, क्योंकि डायमंड के साथ में इसकी कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसका पावर और ज़्यादा बढ़ जाता है, और लंबे टाइम तक चलने की कैपेसिटी इसमें बन जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो भी आप लो वो जेन्युइन लो, कंपनी का आइटम लो, और आपको बहुत सारी जानकारी मिल ही गई होगी। और बाकी कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में रिकमेंड करें, हम उसके ऊपर एक नई वीडियो बना देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।